हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। जैसा कि आपको पता ही है, हमने एडवांस मैथ की जर्नी स्टार्ट की थी। और एडवांस मैथ में कौन सा चैप्टर लिया था? ट्रिगोनोमेट्री, ज्यामिति। और इस ज्यामिति में क्या पढ़ा था? इस ज्यामिति को हमने पांच उपविसर्गों में विभाजित किया था, पांच पार्ट में। जो आपको एक नाम लिखे हैं, कौन कौन से हैं? पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन एंड दिस लास्ट है आपका सर्कल। इसमें इसमें से कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु रेखा और कोण। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने पॉइंट देख लिया था। पॉइंट मतलब बिंदु और सर्कल में डिफरेंस भी पता कर लिया था। हाँ, इसके बाद लाइंस भी देख ली थी और कुछ एंगल की भी जानकारी हमने प्राप्त की थी, फिगर विथ रेंज के साथ एंगल में ना। फाइनली कहाँ पे पहुंच गए थे हम देखते हैं। ये पेयर ऑफ एंगल, और ये आपकी एडवांस मैथ की बेटा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपको YouTube के माध्यम से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। कोई बच्चा अगर सेकंड क्लास में देख रहा है तो ऐसा ना करें। आपको सीरियल वाइज क्लासेस को देखना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अन्यथा आपको सारे क्वेश्चन वाहियात लगेंगे। करेक्ट। अब बेटा क्या पढ़ेंगे? पॉइंट, लाइंस एंड एंगल में पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल, एंगल तक जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना पेयर ऑफ एंगल। इस पेयर ऑफ एंगल में फर्स्ट नंबर क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बेटा, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे आपके घर के अगल बगल होते हैं ना पड़ोसी, हाँ वैसे ही पड़ोसी। डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखिए? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, कुछ कंडीशन लिखी है, देख लेते हैं क्या है कंडीशन। दे हैव द सेम वर्टेक्स, दे हैव द सेम वर्टेक्स। बेटा वर्टेक्स का मतलब क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ, क्या वर्टेक्स? अच्छा, इससे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो त्रिभुज होता है आपका ट्रायंगल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो अब उसी डेफिनेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। ये आपका मान लीजिए प्लेन सरफेस है। हाँ, तीन लाइनों से सराउंडेड आकृति को, घिरी हुई आकृति को क्या बोला बेटा? बोलेंगे त्रिभुज। हाँ, ये आपकी देखिए, एक लाइन आपकी ये है, सेकंड लाइन आपकी ये है, एंड थर्ड लाइन आपकी ये है। हाँ, तीन लाइनों से घिरी हुई आकृति को, तीन लाइनों से घिरी हुई आकृति को बेटा बोलेंगे त्रिभुज। और जिस बिंदु पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, हाँ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट को बेटा बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। इसी पॉइंट को बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। हाँ वर्टेक्स, करेक्ट, वर्टेक्स बोलेंगे। अब आपको ट्रायंगल की शेप लेना है तो बाकी बची हुई जो आपकी लाइन होती बेटा वो आप एज्यूम नहीं करते हैं, बाकी आप आगे तक नहीं खींचते हैं, तो आपको फाइनली ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। अब आपको पता चल गया ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तीन लाइनों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे बेटा? ट्रायंगल। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका लिखा है, दे हैव अ कॉमन आर्म। इसके बाद अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब आपको बताते हैं कि एडजेसेंट का मीनिंग क्या होगा। हाँ, ट्रायंगल की डेफिनेशन देख ली ना त्रिभुज की, ओके। अब देख रहे हैं बेटा ये एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, असल मीनिंग क्या होती है। आप पहले ये ट्रायंगल के शेप बनाइए। ये आपकी कोई ए रेखा है, ये आपकी बी लाइन है, ये बेटा आपकी सी है, और ये डी है, ये आपकी डी है। इसके बाद मैंने क्या कहा? एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा पड़ोसी, साथ साथ। हाँ देख लेते हैं, जो आपकी बी लाइन है बेटा, कौन सी? ये बी वाली लाइन। इस लाइन को देखिए, कौन कौन किस किस लाइन ने इसको घेरा हुआ है। हाँ तो आप कहेंगे एक आपकी बी लाइन है और एक सी लाइन है, करेक्ट। इसी प्रकार
इसी प्रकार आप सी लाइन को देखिए, सी लाइन को, इस सी लाइन को कौन कौन सी लाइन टच मतलब कि घेरे हुए हैं बेटा, हाँ तो आप कहेंगे एक आपकी बी लाइन है और एक डी लाइन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे एडजेसेंट का मतलब, करेक्ट। कॉमन आर्म का मतलब हो गए एक ही लाइन से गुजरे, कॉमन आर्म है। वर्टेक्स का मतलब समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा, हाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना। नेक्स्ट है बेटा अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हिंदी मीनिंग बेटा दो होती है, कितनी, दो। एक इसको पूरक नाम से भी जानते हैं एंड सेकेंड बेटा कोटिपूरक। क्या, कोटिपूरक। तो आपको हिंदी मीनिंग अगर यूज करेंगे तो दोनों दोनों मीनिंग को याद रखना है, पूरक एंड कोटिपूरक। इंग्लिश मीनिंग तो अपने जानते ही, क्या लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा क्या लिखा है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, 90 के बराबर, देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको 90 से माइनस करेंगे। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। ये आपका अज्यूम कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने दो एंगल बनाए बेटा, हाँ एक ए डी लाइन खींच दी, इसके बाद दो एंगल बनाए बेटा। एक को आपने किया एक्स डिग्री और दूसरे को आपने लेट किया, ये आपका वाई डिग्री, करेक्ट। ये आपका क्या है, वाई डिग्री, वाई डिग्री। तो एक्स और वाई का जो योग होगा बेटा सम इज इक्वल टू 90 के बराबर होगा। जैसे कि एक्स प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री का जो बेटा आपका योग होगा कितना होगा, 90 के बराबर, करेक्ट 90 के बराबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई का जो आपका सम है बेटा 90 के इक्वल होगा, ना ही इससे कम ना बेटा इससे ज्यादा, करेक्ट। इस पे बेटा एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, क्लियरिटी आपको अच्छे से होगी। 1:2, 1:2 इसका बेटा कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो बेटा आपको एक बात याद रखनी है आज से, अगर आपको रेशियो को, ये आपका रेशियो तो है 1:2, अगर रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा, और आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो उस वेरिएबल को बदनाम कर रहे हैं, वो बेटा कौन सा है, अल्फाबेट में एक्स, करेक्ट। हाँ एक्स ले ले, चलिए तो वो एक्स लिया। रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए पहले बेटा आप उसको एक वेरिएबल देंगे तभी वैल्यू निकाल पाएंगे, और वेरिएबल अंततः लास्ट में वो कट जाता है कोई, हाँ चलिए तो 1x रेशियो 2x इसका बेटा कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। हाँ रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेटा निकालेंगे। अब बेटा इसको करते हैं क्या, सॉल्व, सॉल्व करिए। तो देखिए x, 1x का मतलब x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1x 2x ऐड करिए कितना हो जाएगा बेटा, 3x, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू आप यहां से कितनी निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी यहां से प्यार तरीके से निकालेंगे कितनी, 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकली, 30 डिग्री। अब आप कह सकते हैं बेटा कि ये कह सकते हैं ना आप कि आपकी 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, हाँ x की जगह पे देखिए 30, तो 30 आ गई, करेक्ट। और 2x की वैल्यू क्या आ गई, 30 2 पर मल्टीप्लाई होगा ना, x की जगह पे जब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, करेक्ट। अब आप समझ पा रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, याद रखना बेटा इसको पूरक और कोटिपूरक दोनों मीनिंग से जानते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि आप दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, बेटा इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी देख लेते हैं एक बार, बहुत जरूरी है। समपूरक, समपूरक कोण, करेक्ट, समपूरक कोण। डेफिनेशन क्या एक बार देखते हैं, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, 180 के बराबर, देखते आगे क्या लिखा है, देन द टू एंगल्स आर
कॉल इट सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, मीनिंग क्या है बता रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे बेटा आप अभी तक जान रहे हैं क्या, एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का जो बेटा योग होता है, सम होता है, कितना होता है 180, ना ही इससे कम ना इससे ज्यादा। अब इसको प्रूफ के माध्यम से समझते हैं, एक एग्जांपल भी लेंगे इसमें। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन में आपने दो एंगल लिए, एक आपने लिया एक्स डिग्री करेक्ट, सेकेंड आपने लिया वाई डिग्री। तो एक्स प्लस वाई का जो आपका सम होगा बेटा कितना होगा 180 डिग्री। ये बात तो समझ में आई ना सभी को। चलिए इस पे बेटा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लीजिए आप, टू रेशियो फोर। क्या बेटा, टू रेशियो फोर। सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है बेटा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या बताया था, रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा, एक्स देते हैं ना, ये हो जाएगा 2x रेशियो 4x। हाँ, 2x और 4x, 2x और 4x। तो इसका सप्लीमेंट्री बेटा आप जब निकालेंगे तो 2x प्लस 4x इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। आप इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अच्छे से एकदम आराम से आप निकाल पाएंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। x की वैल्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब आप कह सकते हैं ना क्या कि 2x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 4x की, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 करेक्ट। क्या हो जाएगी, 60। इसके बाद 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 मतलब 120। अब जब बेटा आप 120 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली 180 आएगा, ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा। हाँ, तो आप प्रूफ के माध्यम से भी समझ गए ना, आप ऐड करके देख लीजिए बेटा, 120 प्लस 60 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली 180 आना है, ना इससे कम ना ही इससे ज्यादा। अगर कम ज्यादा हुआ तो आपका रॉन्ग है, करेक्ट। चलिए आई होप समझ पाए अब आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल दिया गया बेटा, वो भी सप्लीमेंट्री पे। जस्ट अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा तो आप इस प्रिपेयर, इस लायक हो गए हैं कि आप इस सवाल को कर पाएंगे। और बेटा ज्योमेट्री में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई महत्व तो नहीं होता है। हाँ, आपको हिंदी में भी देख लेंगे तो वही लिखा मिलेगा, तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल पहला आपको दिया गया है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफरेंट बाय 74 डिग्री। हाँ, देन वन ऑफ द, हाँ मतलब कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, जो आपका क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका, जिन दोनों का डिफरेंस कितना है 74 डिग्री। इसके बाद इसमें कहा गया है कि इसमें से एक एंगल का मान आप मुझे बताइए, करेक्ट। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सप्लीमेंट्री बेटा निकालना, पहले तो आपको देखना है सप्लीमेंट्री निकालना है या कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यहाँ पे निकालना है, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए एक्स प्लस वाई का जो आपका योग होता है बेटा कितना होता है 180 डिग्री। ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई, करेक्ट, ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई। इसके बाद अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है, सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट बाय 74 डिग्री। तो मतलब अब इसका डिफरेंस आपको दिया गया, डिफरेंस मतलब बेटा माइनस से डिनोट करेंगे ना। चलिए आई होप इतना तो आप जानते होंगे इसके बारे में। इसका बेटा जो डिफरेंट दिया गया कितना दिया गया, 74 डिग्री, 74 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दिया है, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट थी। अब बेटा आप यहाँ से अच्छे से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा। अब जब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए तो एक्स प्लस और एक्स माइनस डिवाइड, ये कट जाएगा ना, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स एक्स पॉजिटिव वैल्यू जुड़ जाएगी, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से जुड़ती है, घटती है, करेक्ट। अब जब बेटा 180 में 174 आप जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा,
254 डिग्री। यहाँ से बेटा आप प्यारे तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, इसको आप कट करिए आराम से, 1 टाइम 2 टाइम एंड 7 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी निकल आएगी, 127 डिग्री, करेक्ट। अब जब बेटा आपकी x की वैल्यू 127 डिग्री निकाल आई, तब y की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एंगल की वैल्यू आपकी 127 निकली जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो बेटा दूसरा एंगल भी आप कैसे निकालेंगे, फाइनली आप यहीं से निकाल सकते हैं, 180 से घटाइए 127 तो आपका कितना आएगा, 53 डिग्री, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जब बेटा पुट इन इक्वेशन मतलब इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, आपका वाई की वैल्यू निकल जाएगी, करेक्ट। तो चलिए बिल्कुल बच्चों के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं ना कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए, क्लियरिटी अच्छी से हो जाए, इसके बाद एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन करने बेटा, कई क्वेश्चन तो आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे कि तो कई क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ये बिल्कुल सत्य बात आपको करा के दिखाएंगे, प्रूफ कराएंगे आपको, करेक्ट। चलिए तो पुट इन इक्वेशन आप किसी में भी रख दो, फर्स्ट में मान लो रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है, 180, पहले आप इक्वेशन लिखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे कितनी है, 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब बेटा जब इसको आप इधर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना, 180 में से जब बेटा 127 आप घटाएंगे तो कितना फाइनली आएगा, 53 डिग्री। तो देखिए एक एंगल आपका 53 डिग्री आया और एक एंगल 127 डिग्री आएगा। अब जब आप बेटा इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, देख लेते हैं सही है या गलत, ऐड कीजिए कितना, 180 तो आया, मतलब कि करेक्ट है। चलिए देख भी लिया, तो बेटा इसमें से दो एंगल में से कौन सा एंगल ऑप्शन में मैच कर रहा है, 53 डिग्री, करेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जब अभी आप कह रहे थे ना क्या एक स्ट्रेट लाइन पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कहां से होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल रैखिक युग्म के कारण, ओके, रैखिक युग्म के कारण लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखते हैं डेफिनेशन, आप देख सकते हैं क्या लिखी है, इसको देखते हैं, एक आपकी रेखा है ए बी, एक रेखा है आपकी ए बी, अब जानते हैं एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180 डिग्री। आपने एक एंगल लिया कितना बेटा, 60 डिग्री, और सेकंड एंगल लिया, एक एंगल लिया आपने 60 डिग्री और एक एंगल लिया, फिर 60 में से देखो इसको यहाँ पे तो एग्जांपल लिया, अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मान लीजिए आपका एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, हाँ ए बी आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसमें बेटा मैंने एक एंगल आपको दे दिया कि आपका एक एंगल है 80 डिग्री, बाकी इस एंगल का मान आप निकालिए, तो क्या करेंगे आप, इस एंगल का मान निकालने के लिए आप सॉल्व करेंगे, देखिए बेसिक से देख लेते हैं एक बार, एक सीधी लाइन पे कंडीशन है आपकी, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, करेक्ट, 180 डिग्री होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन से। लीनियर पेयर ऑफ एंगल आप पढ़ रहे हैं इसी के माध्यम से। अब आप बेटा इसको इस एंगल का मान निकालिए, इस एंगल को मान लीजिए आप एक्स, एक्स बहुत लेते हैं, चलिए ठीक है, एक एंगल है आपका एक्स प्लस प्लस होगा ना बेटा, ऐड होगा कितना, 80, और इस सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा, जस्ट आपने लिखा 180 डिग्री, 180 से लेस करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से प्यार तरीके से निकल आएगी, 180 में से अब जब 80 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा, 100 डिग्री, कितनी, 100 डिग्री, करेक्ट, समझ में आया। चलिए ये था लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कंसेप्ट, बात होती है इसकी यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हिंदी मीनिंग बेटा इसकी होती है शीर्षाभिमुख कोण, क्या बेटा लिख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इससे आप काफी फेमिलियर होंगे, क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाया जाता है, काफी सारे कंसेप्ट
इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ शीर्षा भिमुख कोण, आमने सामने के कोण आपके इसके बराबर होते हैं। हाँ अब इसको समझते हैं, ये आपका इसको अलग से समझते हैं। यहाँ पे आप मान लो कि एक आपकी लाइन एबी एक लाइन है, एक आपकी लाइन एबी है, सेकंड आपकी लाइन सीडी है, जिस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ इसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण आमने सामने के बेटा कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसको प्रूफ से समझते हैं बेटा, क्या प्रूफ से समझते हैं। अब इसको मान लीजिए कि आपने इस वाले एंगल को थीटा लिया, इस वाले एंगल को आपने थीटा लिया, तो इस वाले एंगल का मान कैसे आप निकालेंगे बताइए। तो देखिए इसको, इसको निकालने के लिए आप पहले देखिए एक सीधी रेखा बन रही स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो आप क्या कहेंगे, एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग बेटा कितना होता है 180 डिग्री। अब उस 180 डिग्री में से पहले ही थीटा निकल चुका है बेटा, हाँ पहले ही थीटा निकल चुका है, तो अब उस थीटा को 180 से माइनस करेंगे ना, चलिए तो अब 180 से माइनस करेंगे ना क्या थीटा, तो इस एंगल का मान कितना निकला है 180 माइनस थीटा, करेक्ट। अब बेटा इसके बाद बात आती है इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप इस पे आप आ जाइए, तो इस वाले एंगल का मान निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे ना किसको, ये पहले जो निकला हुआ है पहले से ही 180 से पहले ही पहले निकला हुआ है, तो इसको 180 से माइनस करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, 180 बेटा अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। इससे पहले आप छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा दें, एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि माइनस और माइनस को जब आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी बेटा, प्लस की। इसके बाद प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की, करेक्ट। ये बेटा बेसिक चीजें थी, आपको सारा बताते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है, डाउट तो कहीं आने ही नहीं देंगे, डाउट आपको कहीं पे आने का चांस ही नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस की हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस बेटा क्या होता है आपका, प्लस, तो प्लस थीटा। अब देखिए प्लस और माइनस से खत्म हो गया, 180 प्लस का 180 माइनस है, ये आपस में खत्म हो गए, फाइनली क्या बचा इसकी वैल्यू आपकी बची थीटा, करेक्ट। अब आप इस एंगल का भी मान निकाल सकते हैं, किसका बेटा, इस वाले एंगल का, प्यार तरीके से इस वाले एंगल का भी मान निकल आएगा, इस वाले, देखिए इस वाले एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाली लाइन पे फिर से जाइए, और 180 होता है ना सीधी स्ट्रेट लाइन, और 180 में से थीटा पहले ही निकल चुका है, तो इससे आप माइनस कर दीजिए, करेक्ट। किसी बच्चे को ये बात ना समझ में आए तो एक एग्जाम्पल और देख के आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए आपकी एक दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, इस एंगल की वैल्यू आपको मैंने दे दी आपको 40 डिग्री, तो इस एंगल का बाकी बचे हुए सारे एंगल की वैल्यू आप बताइए मुझे, बाकी तीन एंगल की वैल्यू आप बताइए, तो कैसे बताएंगे आप, बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्या कहेंगे, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण, प्रूफ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप 180 में से 40 घटा दें तो इसकी इस एंगल की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 140, और वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण ये 40 है बेटा, तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा 40, और वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण ये 140 है, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा बेटा 140। यहां से बेटा एक बात आपको याद रखनी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, अभी आपने समझा एंगल आपको कितने दिख रहे हैं, चार हैं, कितने एंगल, एंगल तो आपके बेटा दो ही हैं, 40 और 120, 140 एंगल आपके दो ही हैं, पार्ट इसके कितने बन गए, चार, करेक्ट। चलिए इस बात को अभी याद रखना, आगे इसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपसे कह रहा हूं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, नेक्स्ट बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है, इन द गिवन फिगर, हाँ ये आपको फिगर है, टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, किसी पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, एट एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ
एंगल ए ओ ई का मान कितना है बेटा 75 डिग्री। आप देख पा रहे हैं ए ओ ई का मान कितना है बेटा 75 डिग्री। इसके बाद बेटा, इसके बाद दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मतलब ए सीक्वेंस देना है, पहले आपको ए की वैल्यू निकाल के रखना है, फिर आपको बी की वैल्यू निकाल के रखना है, फिर आपको सी की वैल्यू, करेक्ट, इनकी अलग अलग वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात आती है किस बच्चे का कितनी जल्दी माइंड काम करता है। अभी तक जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा है केवल उसी का यूटिलाइज आपको इसमें करिए, आराम से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे अलग अलग, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करें कैसे, देखिए पहले आप इस पे नजर देखिए प्यारे तरीके से। वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण आमने सामने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, हाँ शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से अच्छे से वैल्यू निकल आई क्या, देखो 4b जो है आपका बेटा 4b इज इक्वल टू a के इक्वल में हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद, इसके बाद आप देखिए 2c और 75 प्लस बी वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण आपस में इक्वल होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो 2c इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस बी, करेक्ट। इसके बाद, इसके बाद आप एक चीज और देखिए बेटा, एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का जो बेटा योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल अभी कंसेप्ट आपने पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण, करेक्ट। तो देखिए इस सीधी रेखा पे आप नीचे देखिए कौन कौन से एंगल हैं, 75 प्लस बी प्लस ए, करेक्ट। हाँ चलिए 75 प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि सीधी रेखा पे बन रहे हैं बेटा ना। इसके बाद, इसके बाद अब आप यहां से पर्टिकुलर एक एक की अलग अलग वैल्यू निकालने के माध्यम तक पहुंच चुके हैं। देखिए अब बेटा इस वाली क्वेश्चन को देखिए आप अच्छे से एकदम बिल्कुल प्यार से। इस वाली क्वेश्चन में आप अगर इस वाली क्वेश्चन से ए का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो देखिए ए की वैल्यू जब आप लिख रखेंगे, देखिए 75 प्लस बी एज इट इज प्लस ए की वैल्यू जब आप बेटा यहां से रखेंगे कितनी है ए की वैल्यू, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बेटा देखिए 4b और b ऐड होगा कितना हो जाएगा बेटा आपका 5b इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से अब जब 75 लेस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 105 डिग्री, करेक्ट। तो बेटा आप यहां से b की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 21 डिग्री, कितनी आ जाएगी b की वैल्यू 21 डिग्री। इसके बाद अब जब आपकी b की वैल्यू निकल आई तो क्या मन है आगे ए और डी की वैल्यू निकालने का, जब आप निकालेंगे तभी आप एक्यूरेट आंसर बता पाएंगे, क्योंकि देखिए 21 21 21 21 सब में है, तो एक की वजह से आप कोई भी आंसर टिक नहीं कर सकते ना, सही। चलिए इसके बाद आप बेटा बी की वैल्यू को, बी की वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में रखिए, बी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखिए, ए की वैल्यू आराम से निकल आएगी आपकी, क्या है 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 21 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी आपकी बेटा 84 डिग्री, हाँ 84। ए और बी, अभी भी आप ए और बी की वैल्यू के देख के आप आंसर नहीं दे सकते। चलिए फिर आप सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, चलिए सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब जब बेटा बी की वैल्यू को आप इस वाले एंगल, इस वाली क्वेश्चन में रख दें तो प्यारे तरीके से सी की वैल्यू निकल आएगी ना, रखते हैं एक बार 2c इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस b की वैल्यू कितनी बेटा 21 डिग्री। तो 2c इज इक्वल टू इस 75 और 21 को जब बेटा आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 96 डिग्री, कितना हो जाएगा 96 डिग्री, करेक्ट। इसके बाद बेटा c की वैल्यू आप निकालिए यहां से कितना आ जाएगा 48। अब जब सी की वैल्यू 48 आ गई तो पर्टिकुलर आप एक की एक एक की अलग अलग वैल्यू आपने निकाल ली, तो अब देखिए आपको आंसर कौन सा देना है, क्योंकि 21 84 48 सब में बेटा है बेटा,
फिर इसके बाद आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू ए बी एंड सी सीक्वेंस से देना है, तो पहले आपको ए की वैल्यू रखनी है, फिर आपको बी की वैल्यू रखनी है, फिर आपको सी की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू आप कितने के लिए 84, तो आपका 84 पहले होना चाहिए ए, फिर बी, बी आपका 21 होना चाहिए और सी आपका 48। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा,